अनलॉक दो में बाहरी राज्यों में रह रहे कांगड़ा निवासी ई कोविड की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाकर वापस अपने घर आ सकते हैं। देश के रेड जोन क्षेत्रों से आने वाले कांगड़ा निवासियों को संस्थागत क्वारंटीन करने का प्रावधान किया गया है। इसमें बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों को होम क्वारंटीन किया जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों से आने वाले कांगड़ा निवासियों को भी 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। ये जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि ई कोविड पर पंजीकरण की स्लिप भी मोबाइल नंबर पर आएगी, जिसको बैरियर या नाके पर दिखाकर कांगड़ा निवासी प्रवेश कर सकते हैं। इसकी सूचना संबंधित एसडीएम को भी भेजी जाएगी, ताकि बाहर से आने वाले कांगड़ा के नागरिकों की सुचारू मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। रेलवे तथा हवाई सेवाओं के माध्यम से आने वाले नागरिकों के लिए भी होम क्वारंटीन तथा संस्थागत क्वारंटीन की शर्तें लागू रहेंगी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक कारणों से आवाजाही करने वालों, बाहरी राज्यों से मजदूरी इत्यादि के लिए आने वालों को भी अनुमति प्रदान की गई है। बाहरी राज्यों के पास पहले से ही उपलब्ध हैं। बाहरी राज्यों में 48 घंटे का राउंड ट्रिप पूरा करने पर भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य सेवाओं एवं पैरामेडिकल स्टाफ को उनके ऑफिशियल आई कार्ड पर प्रवेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी टूरिस्ट को कांगड़ा जिला में आने के लिए 72 घंटे पहले की कोविड-19 के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। इसके साथ ही एक ही जगह पर 5 दिन होटल में बुकिंग भी अनिवार्य है। कांगड़ा में भी कुछ बदलाव किया गया है, जो मूवमेंट खास करके लोगों की मूवमेंट है उसको लेकर। पहला जो सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि जो पास का सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया है और एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू किया गया है। और कोई भी इंसान जो कांगड़ा में एंटर करना चाहता है वो covid-19epass.hp.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही वो जिला कांगड़ा में एंटर कर सकता है। जिला के जो बाउंड्रीज हैं हमारे, जो इंटरस्टेट बैरियर्स हैं, वहाँ पर इन जो रजिस्ट्रेशन जो एक्नॉलेजमेंट नंबर्स हैं उनको स्कैन किया जा रहा है और उसी आधार पर इंफॉर्मेशन जो है हमारे सब डिविजन्स में फर्दर सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग के लिए अब जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 138 लोग ऑलरेडी जिला में जो रजिस्ट्रेशन का मेथड है उसके माध्यम से एंटर कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ये जो सारा खाका है जो चेंज करने का जो सिस्टम अभी नया लागू हो रहा है उसके बारे में बताया गया है और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ये सिस्टम इन प्लेस हो गया है।